नमस्कार दगड़ियों, स्वागत छ आपक हमारी मौसी की यूट्यूब चैनल हम। और आज हम पर छ निम गया छ और यम बा छी अपर मम्मी दूध पीणी। और यहाँ पे हमने अपनी छन्नी को एकदम साफ कर दिया है। मेरा बात चले तो मैं फावड़े से साफ करूँ, लेकिन मेरी दादी बिल्कुल भी फावड़े से साफ नहीं करने देती है, क्योंकि दादी कहती है कि गाय का गोबर कभी फावड़े से साफ नहीं करना है, क्योंकि गाय से पवित्र कोई चीज़ नहीं होती। और इसलिए मुझे हाथ से ही साफ करना पड़ा। पहले तो हम हाथ से ही साफ करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद हमें गोबर निकालना पड़ता है। वैसे तो यहाँ के गोबर सबसे पवित्र होता है, क्योंकि यहाँ की गाय सिर्फ घास खाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं खाती। जैसे दिल्ली की गाय होती है तो कचरा वचरा सब खा लेती हैं, लेकिन यहाँ की गाय बिल्कुल साफ़ होती है। और मेरी दादी को देखो ज़रा, साफ सफाई कर रही है। दादी को कोई कहता नहीं है कि ये काम कर वो काम कर, पर दादी बहुत खुश होती है ये सब करने में। और यहाँ की, इसका नाम है द्यूका। अरु, ये एक नाम क्या? इसका नाम द्यूका है। और इसका नाम मुगली। इसका नाम मुगली। और इसका क्या नाम है? छोटू। छोटू नहीं है इसका नाम, छोटू है। इसका नाम है डोरा, डोरीमी। और इसका नाम क्या दादी? ये नाम क्या है? धोली। और खरगोश कोई कहता है। और उसका नाम क्या है दादी? नाम है मिंडी। क्या नाम है उसका? मिंडकी। कितनी प्यारी सी गाय है। जो छोटी छोटी घास जमी हुई है, यानी कि खेड़ जमी हुई है, उनको हटा रही है वहाँ से। और मुझे बिल्कुल भी फावड़े से गोबर निकालने नहीं देती है। जब दादी लेट आती है तो मैं फटाफट फावड़े से कर लेती हूँ, लेकिन जैसे मैं देखती हूँ दादी आ गई तो मैं फिर हाथ से निकालने लगती हूँ। और दादी को बहुत शौक है गायों की सेवा करने का। दादी क्या खड़ो पढ़ना है यू खेड़? जब तिल जब ये परवा जमनी चाहते क्या खड़ो पढ़ना है? दादी कह रही है कि अगर गायों की सफाई करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, और अगर गायों की सफाई नहीं करेंगे, उनकी सेवा पानी नहीं करेंगे, तो हम नरक में चले जाएंगे। तो ये दादी का कहना है। और दादी यहाँ पे बड़े प्यार से खिलाती है। और हर गाय के लिए एक बर्तन होता है, इसमें हम उसको पिंडू देते हैं, जिसको देशी यानी शहरी भाषा में दलिया कहा जाता है, हम उसको पिंडू कहते हैं। हमारा पिंडू कुछ इस प्रकार से होता है, गायों को घास को काट के उसको पका के और फिर उसमें आटा चावल डाल के फिर गायों को खिलाया जाता है। तो बहुत ही मतलब हर गाय की एक बर्तन होता है और उसमें हम उसको पिंडू खिलाते हैं। ये छोटा सा मुगली है, अभी इसने अभी खाना नहीं सीखा है। इसकी माँ ये है, और ये जो डोरा है इसकी माँ वो है द्यूकी। क्या करनी चाहे तू? और यहाँ पे हमारी गाय इतनी सीधी होती है कि मतलब बहुत ही सीधी गाय होती है, इसका कोई भी दूध निकाल सकता है। बहुत ही सीधी गाय है ये बंसी हमारी। और ये हमारा प्यारा सा मुगली, तू घास नहीं खाता ना अभी, ये प्यारा सा मुगली है। दादी यू घास किले नहीं खा दू किले? और ये हमारी छन्नी है, इसके दो कमरे हैं। इधर साइड में हमारी ये सारी गाय बछड़ी रहती है, और जो उस साइड में आपको दिख रही है यहाँ पे घास भरी होती है इनके लिए। और ये हमारी प्यारी प्यारी सी गाय। और अब मेरी दादी दूध निकालने की तैयारी में जुट गई है। दादी ऐसा लगते है गुइल करण बहुत अच्छो है, कन कन गायों का कन कन भैंसों की करो मैं हैं। कद साल अच्छा तू? मैं 84। 84? अरे वाह, 84 साल की मैं मंगसिरम बड़े। मंगसिरम बड़े कब आन त्यार जन्मदिन? मंगसिरम में ना। कद गति? गति प्रधान पर मंगसिरम। तो गति भी पता करना त्यार बर्थडे भी तो मनान था हमलकन के मनान रानी
मेरा नाती पासों को लड़कों को झंडतियों को इतना खून बढ़िया मेरी बढ़िया चेकना हो चौदह पंद्रह तो मेरा झंडती थी है। नमस्कार दादा, हमारा गोड़ा तुम रहे अच्छे लगे तो वीडियो थे लाइक करा सब्सक्राइब।